वोट देना अतुल गोयल को ही देना। कोई नाली खराब है, कहीं लाइट खराब है, सब काम की व्यवस्था कर रहे हैं अभी से ही। हाँ, जबकि सीट भी क्लियर नहीं हुई। कोई परेशानी हो उसे सुनते हैं अतुल गोयल, जरूर कराते हैं। नगरपाल का चेयरमैन अतुल गोयल को ही देखना चाहते हैं सब। समाज सेवी चौहान अतुल गोयल ने खैर के मालीपुरा पहुंचकर वहां के लोगों का हाल चाल जाना, इवन उनकी किसी भी दुख दर्द में उनके साथ खड़े रहने का आश्वासन भी दिया। बता दें कि चौहान अतुल गोयल पिछले लंबे समय से समाज सेवा में सक्रिय है और इस बार नगर पालिका चेयरमैन पद के संभावित प्रत्याशी भी है। सुबह होते ही लोगों की समस्याओं को जानने चौहान अतुल गोयल अपनी टीम के साथ क्षेत्र में निकल पड़ते हैं, जिसके चलते लगातार क्षेत्र में चौहान गोयल की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। अनीता, कहाँ की निवासी हैं? यही खैर के हैं भैया, मालीपुरा के। तो अनीता जी, इस बार आप किसको चेयरमैन बना रही हैं? इन्हीं अतुल गोयल को भैया, ये तो बहुत अच्छे आदमी है, बहुत सुनी है इनकी हमने। अच्छा, क्या सुनाया आपने? बहुत कुछ सुनाया, वोट देना अतुल गोयल को ही देना। ऐसा क्या कारण है कि आप इनको चुनना चाहते हैं? बहुत अच्छे आदमी है भैया, इसलिए। लगता है कि जीतने के बाद में कुछ करेंगे? ये जीतेंगे, हमने कह दिया जीतेंगे। क्या नाम है आपका? सौरभ चौधरी। खैर घर में। इस बार आप किस तरीके का प्रत्याशी आप देखना चाहते हैं चेयरमैन के लिए? हम ऐसा देना चाहते हैं जैसे हमको विकास मिले, कुछ बंद रोजगार मिले, और ये गली फली हैं ये इनका वो किया जाए, विकास किया जाए। तो जिस तरह से लगभग चेहरे तो निकल के आ चुके हैं, तो ऐसे में आप किसको जो है अच्छा कैंडिडेट मान रहे हैं? इस टाइम तो हमारे यही हैं अतुल गोयल। हाँ, आपको लगता है कि ये जीत गए तो आपके खैर का विकास करेंगे? हाँ, देखो उम्मीद तो। बता सकते हैं आप? अब खासियत क्या है, वो तो दिख ही रही है खासियत तो आगे। किस तरह से? हाँ, जैसे अब घूम रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, उसकी वजह से। ये क्या नाम है आपका? योगेश अग्रवाल। कहाँ के निवासी हैं? खैर। अग्रवाल जी, इस बार आप खैर में कैसा चेहरा देखना चाहते हैं नगरपालिका अध्यक्ष? देखो, चेहरे के लिए तो ये है कि विकास होना चाहिए, सबसे पहली चीज ये है, ठीक है ना। साफ नया चेहरा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और पुराने लोग तो यहाँ जो है जो काम किए हैं उन्होंने ठीक किए हों या ना किए हों, ठीक जो भी है, लेकिन फिलहाल तो जो है जो भी हैं सभी का जो है आपस में टकराव है। फिर भी कहीं ना कहीं जैसे देखने के लिए मिल रहा है कि प्रत्याशी लगातार निकल रहे, जनसंपर्क भी कर रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि किस तरह का प्रत्याशी इस बार चुना जाना चाहिए जो आपके खैर का विकास कर सके? देखो साहब, ये तो सभी की राय होगी उसमें, भाई अपनी पर्सनल राय तो कोई है नहीं है भाई। पर्सनल राय में तो यही है कि सभी चाहते हैं कि कोई जैसे हम सपोर्ट के लिए जाएं भाई, जैसे हमारा कोई काम है। अब पर्सनल के लिए अगर हम जा रहे हैं तो बात अलग है, अगर सभी के लिए जा रहे हैं और वो हमारी सुनवाई कर रहे हैं तो प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए। क्या नाम है आपका? रिजवान। कहाँ के निवासी हैं? खैर के ही हैं। रिजवान जी, इस बार आप किसको नगर पालिका चेयरमैन देखना चाहते हैं? नगर पालिका चेयरमैन अतुल गोयल को देखना चाहते हैं सब। क्यों? क्योंकि कोई नाली खराब है, कहीं लाइट खराब है, सब काम की व्यवस्था कर रहे हैं अभी से ही। हाँ, जबकि सीट भी क्लियर नहीं हुई, अभी से ही पूरा काम करा रहे हैं। आपको लगता है जीतने के बाद भी ये प्रयास इनका जारी रहेगा? बिल्कुल प्रयास जारी रहेगा इनका, बड़े आदमी है साहब। तो नहीं कहीं ये चुनावी फंडे हो? ना, ऐसी कोई बात ना है जी। कोई परेशानी हो उसे सुनते हैं अतुल गोयल, जरूर कराते हैं। ये नहीं है कि चेयरमैनी क्लियर हो गई है तो कि हम ही लड़ें, लेकिन उससे पहले भी काम करा रहे हैं। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।